तो फाइनली बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवी स्टारफिश का ऑफिशियली ट्रेलर आ चुका है। तो बिना किसी इंतजार के देख लेते हैं कैसा है ये ट्रेलर और फिर देते हैं इस पर अपने रिएक्शन। तो करते हैं स्टार्ट। यादें अजीब होती हैं, इस समंदर से भी ज्यादा गहरी। कभी हंसाती हैं और कभी रुलाती हैं। ऐसी ही है मेरी लाइफ इस समंदर की तरह। तुम्हें डर नहीं लगता? डर जिंदा लोगों से लगता है, मुर्दों से नहीं। तारा आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाती हूँ। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, मुझसे नहीं होगा। डोंट वरी, आई वोंट लेट यू डाई। सब कुछ मिलकर ही तो लाइफ बनती है। थोड़ा पानी, थोड़ी रेत, थोड़े बादल, थोड़े खेत। हम सब ये तो रे पांच तत्व बना दिए। ओ पनिशिंग ब्राउन रंग है, फिर से ब्राउन रंग है। एक बार ये क्या हो रहा है? क्या ड्रामा था? क्या मैंने ड्रामा किया? नहीं तो मैंने किया, गलती मेरी है। रफी किंग लव ड्रामा कोई नहीं किया। तुम्हें मालूम भी है कि मैं किस टाइप की मूवी है? इससे पहले एक खत छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि उनकी 22 साल पहले की गई गलती की सजा हो। Really need to know why she can do that. सच सुन सकोगी? समुद्र भी दिखाया गया है। पूरी जिंदगी कुछ खोज रही थी, पता नहीं क्या। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इंसान अपनी गलतियों से नहीं सच्चाइयों से भागता है। You don't need to run anymore, darling. चौबीस नवंबर मूवी का नाम है स्टारफिश। बट मूवी का नाम स्टारफिश क्यों है ट्रेलर देखकर तो मुझे पता नहीं चला। मैं स्टार कास्ट की तो इसमें है खुशहाली कुमार, इहान भट्ट, तुषार खन्ना और मिलिंद सोमन। की स्टोरी कैसी हो सकती है? जो खुशहाली कुमार है वो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए रहस्यों को ढूंढती हुई नजर आएगी। जो मिलिंद सोमन है उनका करेक्टर इस मूवी में खुशहाली कुमार को गाइड करने वाला लग रहा है। तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ट्रेलर, कुछ ऐसा नहीं लगा कि जिस पे हम स्पेशल बात करें। सिंपल है वैसे, इसमें जो स्टार कास्ट है वो नए हैं। कैसी उनकी एक्टिंग रहती है, कैसी उनकी स्क्रीन प्ले रहती है, ये तो इसमें ही बताएगा। फाइनली ट्रेलर ना अच्छा है ना बुरा है, ना ज़्यादा ट्रेलर पर बात करने वाली बातें हैं। मूवी देखकर ही इस पर रिव्यू देंगे कि मूवी देखने लायक है या नहीं। तो इस पर यही था मेरा रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।